पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। 3 गौ तस्कर को लगी गोली। मेवाती गैंग के सदस्य हैं गौ तस्कर। 25,000 के इनामी हैं आरोपी। सभी पर दर्ज हैं 40 से ज्यादा केस। 3 गौ तस्करों को लगी है गोली। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस और 3 गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। तस्करों को मुठभेड़ के दौरान लगी गोली। 3 गौ तस्करों की अगर बात की जाए तो ये अपराधी हैं, मेवाती गैंग के सदस्य हैं। गौ तस्करों पर 25,000 का इनाम पहले से घोषित है। तस्करों पर 40 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गौ तस्करों के पास से पिस्टल, कारतूस, 2 सेंट्रो कार, पशु नकदी बरामद हुई है। गौ तस्करी की घटना को देते थे अंजाम। भारी पुलिस फोर्स मौके पर है। ग्रेटर नोएडा के रघुपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देख रहे हैं जहाँ पर गौ तस्करों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। 3 गौ तस्करों को लगी हैं गोलियाँ। पच्चीस हजार के इनामी गौ तस्कर जिन्हें दबोचा गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 3 गौ तस्करों को लगी गोली। आप तस्वीर के जरिए देख सकते हैं मेवाती गैंग के सदस्य हैं गौ तस्कर। पहले से आपराधिक हिस्ट्री इनकी रही है। 25,000 के इनामी हैं ये आरोपी। सभी पर दर्ज हैं 40 से ज़्यादा केस। आज पुलिस को सफलता मिली है इस गैंग को पकड़ने में। 3 गौ तस्करों को गोली लगी है। इनके पास से नकदी मिली है, 2 सेंट्रो कार मिली हैं, अवैध हथियार मिले हैं और गौवंश मिले हैं। 25,000 के इनामी हैं आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनको पकड़ा गया है। सभी पर दर्ज हैं 40 से ज़्यादा केस। पुलिस और गौ तस्करों के बीच ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़ हुई है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मेवाती गैंग के सदस्य हैं गौ तस्कर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी पर। इस वक्त ये तस्वीर ग्रेटर नोएडा की है जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। 3 गौ तस्करों को गोली लगी है। मेवाती गैंग के सदस्य हैं गौ तस्कर। 25,000 के इनामी हैं ये आरोपी जिन्हें पुलिस ने दबोचा है। संजीव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संजीव, पुलिस को सफलता कहें क्योंकि कई मुकदमे दर्ज हैं। 25,000 का इनाम भी इन गौ तस्करों पर था। किस तरीके से पुलिस ने जाल बिछाया? आपको बता दूं जिस तरह से पूरी मुठभेड़ हुई है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी ग्रेटर नोएडा में गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। लगातार जो है ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से गौ तस्करों जा रही है उसी को लेकर के पुलिस का जो अभियान चल रहा है। थाना क्षेत्र में ये पूरी जो है वारदात हुई है और यहाँ पर जो गौ तस्कर थे वो सेंट्रो कार से जा रहे थे और तभी पुलिस ने उनको रुकने का इशारा किया, जिसके बाद पुलिस पर गौ तस्करों ने फायर इतने जवाबी कार्रवाई करते हुए जब मुठभेड़ की उसमें जो है जो गौ तस्कर है वो घायल हो गए हैं। फिलहाल इन पे 25,000 रुपए का इनाम था और 40 से भी ज्यादा जो है अधिक जो है इन पे गौ तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस इनके जो अन्य साथियों की भी तलाश में जुटी है। जी, नजर बनाए रखिएगा संजीव, आपके पास फिर अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।